ये अचानक मीटिंग क्यों बुला ली कैथोनी जी ने? पता नहीं क्यों बुलाए। ये कैथोन ने सभी ने परेशान करके रखे हैं। चलो इसी बहाने कम से कम प्रीति जी का घंटी बजाने के लिए मिलेगा। हेलो प्रीति मैडम, क्या चाहिए? हम तो देने आए हैं गायतुंडे साहब की अर्जी। 12 बजे बुलाएं सबको, नीचे आ जाइएगा। ये गायतुंडे समझता क्या अपने आपको? बैचलर है, कोई टेरिस नहीं, और ऐसे कैसे निकाल देगा? अरे गायतुंडे का ऑर्डर टाटा कोर्ट से भयानक होता है, लगता है बुरी बिस्तर बांधने का वक्त आ गया। चल आ जा। नमस्कार। आजकल हमारी सोसाइटी में जो अभद्रता चल रही है उसे रोकने के लिए सोसाइटी मेंबर्स ने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद किसी भी बैचलर भाड़ोत्री को अलाउ नहीं किया जाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर सब बैचलर भाड़ोत्री को रूम खाली करना पड़ेगा। माना कि हम सभी अपने परिवार के साथ वहीं रहना चाहेंगे जहां के आसपास का माहौल सभ्य और शांतिपूर्ण हो, लेकिन किसी के व्यक्तित्व को परखने के लिए क्या आप पहले ये जानेंगे कि वो इंसान बैचलर है या शादीशुदा? शायद नहीं। तो फिर ये कैसे मान लिया जाता है कि बैचलर इंसान शादीशुदा के मुकाबले गैर जिम्मेदार होता है? ये केस एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली दो सिंगल लड़कियों रेनू और प्रीति की एक ऐसी आपबीती से जुड़ा है जिन्हें उस सोसाइटी में रहने वाले बाकी बैचलर्स के साथ 1 महीने में फ्लैट खाली करने का नोटिस मिला था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इन आशियाना ढूंढने वालों की उम्मीदों का छप्पर भी गिर गया। सर, रितु पैराडाइज में हमारे 2 फ्लैट हैं, एक में हम खुद रहते हैं और दूसरा हमने इन दोनों लड़कियों रेनू और प्रीतु को भाड़े पे दे रखा है। सर, अब सोसाइटी ने एक नया रूल बना दिया है कि किसी भी बैचलर को सोसाइटी में फ्लैट भाड़े पे नहीं दिया जाएगा। और सर, इसलिए 15 दिन पहले हमने इन दोनों लड़कियों को 30 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने के लिए बोल दिया, लेकिन अब पिछले 2 दिन से इन दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। सर, हमें तो लगता है कि वो फ्लैट खाली करके चले गए हैं और डिपॉजिट का 1 लाख रुपए भी नहीं लिया उन्होंने। लेकिन अगर उन्होंने फ्लैट खाली किया होगा तो उनके किसी पड़ोसी या बिल्डिंग के वॉचमैन ने तो देखा होगा। आपने कंफर्म किया कि उन्होंने फ्लैट खाली किया भी है या नहीं? नहीं सर, किसी ने भी उन्हें फ्लैट खाली करते हुए नहीं देखा है। और सर, हमें फिक्र इस बात की हो रही है कि अगर उन्होंने फ्लैट खाली नहीं किया है तो वो पिछले 2 दिन से कहाँ गायब हैं, उनके फ़ोन क्यों बंद है? आपके पास उनके घर वालों का नंबर भी तो होगा, उनसे पूछा आपने? सर, एग्रीमेंट रेनू के नाम से है और उसका नेटिव एड्रेस नासिक का है, लेकिन उसमें किसी भी फैमिली वाले का नंबर नहीं है। और सर, जिस कॉल सेंटर में ये दोनों लड़कियां काम करती हैं वहाँ प्रीति ने मेरा नंबर एज ए लोकल गार्जियन दे रखा है। वहाँ से मुझे फ़ोन भी आया था और उन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों लड़कियां बिना इन्फॉर्म किए 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रही हैं। आप दोनों लड़कियों का नंबर और बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप लिखवा दीजिए, हम देखते हैं। चंदे आइए। चंदे, अगर लड़कियों ने फ्लैट खाली किया होता तो अपना 1 लाख का डिपॉजिट छोड़ के नहीं जाती, और कोई तो बात होगी जो दोनों के नंबर ऑफ है। दोनों लड़कियों के नंबर की लास्ट लोकेशन निकालो और एक बार इनकी सोसाइटी होके आते हैं, क्योंकि ओनर की बात को एक बार कंफर्म करना भी जरूरी है। सर, हाँ गायतुंडे साहब, सोसाइटी में पुलिस आई है। पिछले 2 दिन के अखबार। शिंदे, ये प्रीति और रेनू इसी फ्लैट में रहते हैं ना? जी सर। अभी कहाँ हैं दोनों? सर, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इस फ्लैट के मालिक ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, शायद उन्हें पता हो। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? आप कौन? मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी अविनाश कायतुंडे। सर, हमने तो 30 दिन की मोहलत दी थी उनको, अब वो जल्दी फ्लैट खाली करके चली गई तो अच्छा ही है।
बट आर यू श्योर कि उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया है? आपने देखा उन्हें फ्लैट खाली करते हुए? सर मुझे तो फ्लैट के ओनर पुष्पा जी और शैलेश जी ने बताया। गायतोंडे साहब हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन ना तो वो हमें फ्लैट की चाबी देकर गई है और ना ही अपना डिपॉजिट लेके। अब इसमें सोसाइटी क्या कर सकती है? इसीलिए इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, और हमने सुना है कि वो फ्लैट खाली करने का नोटिस आपकी वजह से ही गया। सर हमने नोटिस सिर्फ उनको ही नहीं, सारे बैचलर बढ़ोतरी को दिए थे। हाँ ये प्रीति जो थी वो ज्यादा कुछ अयास थी, मतलब अब वो नहीं है। सर आप बोले हुए को क्यों पकड़ रहे हो? अब प्रीति थी या है उसे सोसाइटी को क्या लेना देना? लेकिन उसके कैरेक्टर से लेना देना है। आपने कहा कि प्रीति अयाश थी, क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़केबाजी करना, सारे शौक रखती थी वो। प्रीति आपके लिए अय्याश थी, और रेनू वो कैसी थी? वो तो सीधी सादी थी बिचारी, यूं समझ लीजिए कि गेहूं के साथ गुण भी पिस गया। सर अगर आपको प्रीति के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो करण से बात कर लीजिए। करण कौन? एक और अय्याश बैचलर, आपको प्रीति और करण के किस्से ये बबन बताएगा। बबन बताए इनको। साहब वो करण का लफड़ा चालू था प्रीति मैडम से, हमेशा उसके फ्लैट में ही घुसा रहता था। सर वो गायतोंडे जी है ना, वो मुझे और प्रीति को लेके हमेशा कोई ना कोई रूमर फैलाते रहते। लेकिन तुम तो प्रीति के फ्लैट में जाते थे ना? हाँ सर जाता था, लेकिन वो सिर्फ मेरी नॉर्मल एक फ्रेंड थी, कोई अफेयर नहीं था मेरा उसके साथ। और सर वैसे भी प्रीति मैरिड है। क्या प्रीति मैरिड है? जी सर, प्रीति ने बताया था कि वो अपने पति से अलग हो गई थी, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बताया। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके हस्बैंड ने उसे धोखा दिया था। कैसा धोखा? सर ये सब तो नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई दर्द जरूर था जिसमें हमेशा वो घुटती रहती थी। ऊपर से सर उसे सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि वो रेनू। अच्छा वो और रेनू अभी हो कहाँ सकते हैं? उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन हाँ प्रीति और रेनू की कभी नहीं बनती थी, और सर रेनू से मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रीति का चरित्र जितना पेचीदा नजर आ रहा था उतना ही रहस्यपूर्ण उसका अतीत भी था। हालांकि गुमशुदा रेनू भी थी, लेकिन जो गुमशुदा बदनाम होता है उसकी गुमशुदगी को अक्सर किसी अपराध से जोड़कर जरूर देखा जाता है, लेकिन प्रीति और रेनू की गुमशुदगी किस अपराध से जुड़ी थी यह अभी तक रहस्य बना हुआ था। सर रेनू ने अपना नेटिव एड्रेस नासिक लिखवाया था, यह उसका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जिसमें उसके नासिक का एड्रेस है, और यह इसके ऑफिस आईडी की फोटोकॉपी। अच्छा गायतोंडे साहब ने जो प्रीति के बारे में बताया उसमें कितनी सच्चाई है? सर रेणु और प्रीति में हमें कोई बुराई नजर नहीं आई, और गायतोंडे जी के नजरिए पे हमें विश्वास नहीं, उन्हीं के कारण तो सारे बैचलर्स को सोसाइटी में से निकलना पड़ रहा है। सर शिंदे रेणु के इस नासिक वाले एड्रेस का रजिस्टर्ड फोन नंबर निकालो और इन दोनों लड़कियों के ऑफिस जाओ, हो सकता है वहां से प्रीति के पति और उसके पेरेंट्स का एड्रेस भी मिल जाए। सर गायतोंडे साहब क्या है? बराबर बोले थे ना। ठीक है जाओ। नहीं हम तो ठीक है, आप तो ठीक है ना? क्यों क्या बकवास कर रहा है तू? बब्बन बकवास भी शांत पत्ती से करता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, बहुत वफादार हैं हम आपके। सर पता चला है कि रेणु का फोन 3 दिन पहले 5 अगस्त को हिंजेवाड़ी में रात 1 बजे बंद हुआ था, और उसके करीब 9 घंटे बाद प्रीति का फोन अगले दिन सुबह 10 बजे गोपालपट्टी में बंद हुआ। रेणु का फोन बंद हुआ रात को 1 बजे और प्रीति का अगले दिन सुबह 10 बजे, अब ये दोनों एक साथ ही गायब हुई या अलग अलग? सर उनके कॉल सेंटर से पता चला है कि दोनों की शिफ्ट टाइमिंग अलग अलग थी। रेनू की शिफ्ट टाइमिंग शाम 4 से रात 12 बजे तक, और प्रीति की शिफ्ट टाइमिंग सुबह 8 से शाम 4 बजे तक। प्रीति के ऑफिस से उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार का फोन नंबर या एड्रेस मिला? नहीं सर, लेकिन ये पता चला है कि प्रीति को 6 महीने पहले रेनू ने जॉब पे लगवाया था, जबकि रेनू वहाँ 2 साल से काम कर रही थी। इनका कॉल सेंटर कहाँ है? सर मुकुंदवाड़ी में, और सर हिंजेवाड़ी जहाँ रेनू का फोन बंद हुआ था वो इलाका उसके घर और ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। और सर ये भी पता चला है कि रेनू पहले कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाना छोड़ दिया था, वो खुद से घर जाती थी। सर हिंजेवाड़ी पुलिस को कल शाम एक लड़की की लाश मिली थी, उसकी फोटो रेनू से मैच करती है।
सर, हिंजेवाड़ी पुलिस ने बताया है कि क्राइम सीन के आसपास इसका पर्स, मोबाइल या कुछ भी सामान नहीं मिला। इसका मतलब है इसे मारने वाले ने इसका सामान गायब कर दिया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। लेकिन सर, जिस नाले के पास रेनू की लाश मिली वहां से कुछ ही दूरी पर लोकल पुलिस को एक पत्थर मिला था जिस पर खून के निशान थे। तो हो सकता है शिंदे कि उसी पत्थर से इसे मारा गया हो और फिर इसे मारने के बाद इसकी बॉडी को नाले के पास डंप कर दिया गया हो। हिंजेवाड़ी पुलिस से कहो कि उस पत्थर की फोरेंसिक और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमसे शेयर करें। ओके सर। सर, रेनू के नासिक वाले एड्रेस पे उसकी माँ का फोन नंबर रजिस्टर्ड है। दामले ने उन्हें पुणे आने के लिए बोल दिया है। लेकिन शिंदे, हमें प्रीति के गायब होने वाला चक्कर भी समझना होगा। सर, जिस रात रेनू का फोन बंद हुआ, प्रीति की फोन लोकेशन रेनू की फोन लोकेशन और क्राइम लोकेशन से मैच नहीं करती है। प्रीति का फोन 5 अगस्त की शाम से 6 अगस्त की सुबह 9 बजे तक उनके अपार्टमेंट रितु पैराडाइज में एक्टिव था। लेकिन सुबह 10 बजे उसका फोन गोपालपट्टी में बंद क्यों हुआ जबकि सुबह 8 बजे वो अपने कॉल सेंटर में होती है और उस दिन वो कॉल सेंटर गई भी नहीं। ये इत्तेफाक नहीं है शिंदे। प्रीति के गायब होने का कनेक्शन रेनू के मर्डर से हो सकता है। पुणे की रितु पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 303 में रहने वाली रेनू की हत्या होना और उसकी रूममेट प्रीति का अचानक गायब हो जाना ये शक खड़ा कर रहा था कि क्या प्रीति रेनू की हत्या करके फरार थी। अगर ऐसा था तो फिर प्रीति अब कहां थी? ये जानने के लिए पुलिस प्रीति तक पहुंचने के हर संभव प्रयास कर रही थी और इन्वेस्टिगेशन की इसी कड़ी में प्रीति के चरित्र से जुड़े नए अध्याय सामने आने वाले थे। पूरा घर चेक करो, देखो प्रीति के पति है, उसके नेटिव एड्रेस के बारे में कुछ पता चले। सर, अमित सर, सर ये देखिए, खाली बियर की बोतल और कंडोम के यूज पैकेट्स। लेकिन जितनी अय्याश वो प्रीति थी उतने तो प्रीति थी मतलब? सर, गायतोंडे ने बोला था कि प्रीति बहुत अय्याश है, हो सकता है उसका अंदाजा सही हो। लेकिन समझना ही होगा शिंदे कि इन सब चीजों का रेनू के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है। क्या वाकई में प्रीति का रेनू के मर्डर में कोई हाथ है या फिर प्रीति के साथ भी वही कुछ हुआ जो रेनू ने फेस किया। अगर मान लें कि प्रीति रेनू का मर्डर करके फरार है तो हमें इस मर्डर के पीछे का मोटिव भी समझना होगा। एक काम करते हैं, प्रीति और रेनू के बारे में पूरी सोसाइटी में पूछताछ करते हैं। तुम गोपालपट्टी में जहाँ से प्रीति का फोन बंद हुआ था वहाँ से प्रीति के बारे में पता लगाने की कोशिश करो और प्रीति के कॉल रिकॉर्ड चेक करना, उसमें कोई गोपालपट्टी का नंबर रजिस्टर्ड है क्या। ओके सर। सर ये देखिए, अंदर प्रीति का ऑफिस आईडी मिले और साथ में कुछ फोटोज मिले। ये तो किसी खाली फ्लैट के पिक्चर्स हैं। कोई खाली फ्लैट की पिक्चर्स प्रिंट करवा के क्यों रखेगा? और अगर प्रीति का आई कार्ड यहाँ पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगस्त को प्रीति घर से ऑफिस के लिए नहीं निकली थी।
प्रीति एक्यूज थी या विक्टिम ये फिलहाल रहस्य था, लेकिन प्रीति तक पहुंचने के लिए पुलिस एक तरफ गोपाल पट्टी में उसकी लीड तलाश रही थी, तो वहीं सोसाइटी में प्रीति और रेनू के आपसी रिश्ते को भी समझा जा रहा था। सर, कुछ दिन पहले रेनू और प्रीति की बहुत लड़ाई हो रही थी, यहाँ तक कि दोनों के चिल्लाने की आवाजें सुनी थी मैंने। सर, मैं तो दोनों से ही दूर रहती थी, और खास करके उस प्रीति से। वो मुझे फूटी आग भी नहीं भाती थी। ऐसा क्यों? वो लड़की बहुत अय्याश थी, यहाँ तक कि वो मेरे पति को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। सर, दोनों लड़कियाँ काफी फ्रेंक थी और घर से निकलते वक्त अक्सर हाय हेलो हो जाती थी। लेकिन तुम्हारी बीवी तो कुछ और ही कर रही है। सर, पूरी सोसाइटी प्रीति को कैरेक्टरलेस समझती थी, शायद इसीलिए उसे गलतफहमी हो गई थी। तो तुम्हें प्रीति कैरेक्टरलेस नहीं लगती? आई एम नॉट श्योर सर, और वैसे भी उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन करण और उमार अक्सर उसके घर आते जाते थे। करण और उमार? करण से तो हम मिले हैं, उमार कौन है? करण का रूममेट सर। सर, मैं तो कभी कभी करण के साथ ही वहाँ चला जाता था, वो लोग भी अकेले रहते थे और हम भी। सर, इसीलिए एक दूसरे की कंपनी शेयर कर लेते थे। किस तरह की कंपनी शेयर करते थे? बस सर, ऐसे ही गायतोंडे जी हम बैचलर से बहुत चिढ़ते थे सर, यही सब हम मिलकर शेयर करते थे। देख लेना, ये गायतोंडे सोसाइटी में बैचलर्स को रहने नहीं देगा। मैंने सुना सारे फ्लैट ओनर से पर्सनली मिलके कोई नया रूल लाने वाला है। सर, फिर थोड़े दिन में रूल सामने आ गए, इसकी वजह से हम लोगों को 12 दिन में ये फ्लैट खाली करना, और अभी तक नया फ्लैट भी नहीं मिला। फ्लैट तो प्रीति और रेनू को भी खाली करना था, उन्होंने कोई दूसरा फ्लैट देख रखा था? सर, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। सर, मुझे तो ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि रेनू के मर्डर और प्रीति के गायब होने का क्या चक्कर है। क्या प्रीति के आंसू उसके द्वारा किए गए अपराध के पश्चाताप से जुड़े हुए थे, या फिर उसकी पीड़ा का रहस्य कुछ और ही था? लेकिन जब रेनू की माँ पुलिस से मिली, तब वो रेनू की हत्या के लिए प्रीति को ही कोस रही थी। रेनू मेरा इकलौता सहारा थी, मैंने उसे हमेशा कहा कि प्रीति के चक्कर में मत पड़, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। प्रीति के बारे में क्या जानती हैं? बस इतना जानती हूँ कि प्रीति के पति ने उसे छोड़ दिया था। प्रीति के पति को जानती हैं? नहीं, बल्कि मैं तो प्रीति से भी कभी नहीं मिली। 6 महीने पहले रेनू ने फोन करके बताया कि वो और प्रीति दोनों साथ में रह रहे। गैतोंडे साहब, अरे गैतोंडे साहब, गैतोंडे साहब, गैतोंडे साहब। क्या है? आपको पता है हिंजेवाड़ी में रेनू का लाश मिला? सारी सोसाइटी को पता चल चुका है, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को पता नहीं होगा क्या? आप तो उड़ते हुए चिड़िया का पर गिन लेते हैं, आपको तो पहले से पता होगा सर। ये फाइल DIG साहब के ऑफिस भिजवा देना। सर, सर, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड में गोपाल पट्टी से रिलेटेड तो कोई भी नंबर नहीं मिला, लेकिन उसके फोन पर एक शांति मालवन का नाम की औरत के अक्सर फोन आते थे। प्रीति का सरनेम भी मालवन का है, वो ना हो शांति मालवन का उसकी कोई रिश्तेदार है। कहाँ रहती है? सर, पुणे की है, और बनवाड़ी के एड्रेस पर उसका फोन नंबर रजिस्टर्ड है। आप शांति मालवनकर जी? जी सर, प्रीति हमारी बहू है। हमने सुना है प्रीति को उसके पति ने छोड़ दिया था। नहीं सर, बल्कि वो मनीष से नाराज होकर खुद ही घर छोड़ के चली गई। प्रीति मेरी बात सुन बेटा, बेटा ऐसे घर छोड़ के मत जा। देख, मुझे बताइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ठीक कर पाएंगे। प्रीति, प्रीति। मनीष, ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कि तुम्हें छोड़ के चली गई? सर, मैं क्या बोलूं उसको, मेरी हर चीज से प्रॉब्लम थी, हर छोटी छोटी बात को तूल देती थी। वो आप लोगों को छोड़ के चली गई, लेकिन शांति जी, आप फिर भी उसको फोन करती थी? जी सर, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी पुरानी बातों को भूल करके घर वापस आ जाए, इसीलिए मैं उसे कॉल किया करती थी। लेकिन 3 दिन से तो उसका फोन बंद है, और हमें उसकी दोस्त रेनू जिसके साथ वो रहती थी उसकी लाश मिली है। क्या उसकी दोस्त मर गई? जी, और हमें शक है कि प्रीति ही उसका मर्डर करके फरार है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी प्रीति ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो किसी को मारना तो दूर, किसी का दिल तक नहीं दुखा सकती है। शांति जी, हमने तो सुना है कि आपकी बहू प्रीति शराब सिगरेट सब पीती थी, और जहां वो अपनी दोस्त रेनू के साथ रहती थी वहां और भी कई चीजों के लिए बदनाम है। सुना मां, कैसी है वो?
और आप उसे वापस लाना चाहती हैं। सर, हमारी शादी में माँ ने लगभग 12 लाख के गहने चढ़ाए थे और जिस दिन वो गई सारे लेके चले गई। सर, मनीष 12 लाख के गहनों की बात कर रहा था, लेकिन जब हमने प्रीति का फ्लैट सर्च किया तब हमें वहां पर कोई भी गहने नहीं मिले। तो हो सकता है प्रीति के ही हाथों रेणु का मर्डर हो गया हो और प्रीति वहां से अपना सब कुछ लेकर भाग गई हो। प्रीति का डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो अपने पति से अलग रह रही थी। प्रीति का पति को छोड़ना, ससुराल द्वारा दिए गए गहनों के साथ वहां से चले जाना और जहां वो रह रही थी वहां उसके चरित्र पर उठे सवालों का रेणु की हत्या से क्या कनेक्शन था, यह अब भी साफ नहीं था। और जब पुलिस ने रेणु और प्रीति के ऑफिस में पूछताछ की तो रेणु और प्रीति की आपसी अनबन की कोई वजह सामने नहीं आई। लेकिन रेणु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेणु मर्डर केस के नए समीकरण जोड़ने की कोशिश की जाने लगी। ये रेणु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई और उसकी हत्या 4 अगस्त की रात 1 बजे के आसपास ही हुई जब उसका फोन बंद हुआ। रेणु उस रात 12 बजे कॉल सेंटर से निकली थी। इससे पहले वो कॉल सेंटर की गाड़ी से अपने घर जाती थी, लेकिन फिलहाल वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो पता करो शिंदे, अगर वो कॉल सेंटर की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी तो इतनी रात को अपने घर जाती कैसे थी? क्योंकि ये बात तो तय है कि उसकी हत्या कॉल सेंटर से घर जाते समय ही हुई है। ओके सर। सर, रेणु और प्रीति जिस बिल्डिंग में रहते थे वहाँ का वॉचमैन बबन आया, आपको कुछ बताना चाहता है। बुलाओ। नमस्ते साहब। बोल बबन। हमको लगता है कि रेणु मैडम के मौत से ये गायतोंडे साहब का कुछ ना कुछ तो लेना देना है। मतलब? रेणु मैडम रोज रात को 1:15 बजे बिल्डिंग में आती थी, लेकिन गायतोंडे साहब रोज रात को तब तक रुकते थे जब तक रेणु मैडम आ नहीं जाती थी। और जिस दिन रेणु मैडम गायब हुई है ना, उस दिन वो घर पे थे ही नहीं। सुबह 4 बजे आए कहीं बाहर से। उस दिन सुबह 4 बजे मैं शिरडी से वापस आया था, लेकिन ये सब पूछकर आप जानना क्या चाहते हो? यही कि कहीं रेणु के मर्डर में आपका कोई हाथ तो नहीं है। लगता है आपको बबन ने भड़काया है सर, क्योंकि मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया है ना। अपने आपको बहुत होशियार समझ रहा है ना। चल निकल यहाँ से, निकल निकल, आज के बाद दिखना नहीं सोसाइटी में, नौकरी गई तेरी। सर, मुझे रात को नींद नहीं आती इसलिए मैं वॉक करता रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पोती की उम्र की लड़की को बुरी नजर से देखूं। ये बबन के दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है सर, उसे भी मेरे बारे में यही लगता था इसलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस गायतोंडे के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी एलिबाई चेक करो और इस बब्बन पर नजर रखना। ओके सर। सोसाइटी के सेक्रेटरी अविनाश गायतोंडे के साथ साथ उसके खिलाफ बयान देने वाला बब्बन और सोसाइटी के बाकी सस्पेक्ट्स पुलिस की नजर में थे। और तभी रेणु और प्रीति के बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आईं। सब प्रीति मैडम और रेणु मैडम के झगड़े का तो पता नहीं, पर हाँ, एक औरत यहाँ पे प्रीति मैडम से झगड़ा करने जरूर आती थी। कौन औरत? उतना तो याद नहीं है, पर वो औरत प्रीति मैडम को बहू बहू करके बुलाती थी। प्रीति, प्रीति बहू, बहू घर चलो, कैसी हो तुम? सुनो सुनो प्रीति। सब वो औरत प्रीति मैडम के लिए घंटों इंतजार करती थी, लेकिन प्रीति मैडम उसे अवॉइड करके चली जाती थी। हाँ सब, यही औरत थी सब। मैं ये चाहती हूँ कि वो सारी पुरानी बातों को भूल करके घर वापस आ जाए। अच्छा, पहले रेणु कॉल सेंटर की गाड़ी से घर जाती थी, लेकिन ऑफिस से पता चला है कि अभी कुछ दिनों से रेणु कॉल सेंटर की गाड़ी से घर नहीं जा रही थी, क्या ये सही है? हाँ सब, वो तो बाइक से जाती थी सब। रेणु के पास बाइक थी? नहीं सर, उसके पास तो बाइक नहीं थी, पर एक लड़का उसे लेने आता था, उसके बाइक में बैठ के जाती थी सर। कौन सा लड़का रेणु को लेने आता था? अब सर उतना तो याद नहीं है, पर उसका बाइक एकदम अनोखा था सर, एकदम स्टाइल वाला, VIP नंबर था 4000, इसलिए याद रह गया। हाँ सर, वो बाइक मेरे ही नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन ये आपको क्यों जानना है? आपकी वो बाइक आपका ये पोता चलाता है ना? जी सर, यही चलाता है। क्या नाम है तेरा? अक्षय। तो ही रेणु को कॉल सेंटर से पिकअप करने के लिए जाता था। बोल। हाँ सर, मैं ही रेणु को कॉल सेंटर से पिकअप करने के जाता था और बिल्डिंग के पहले ड्रॉप कर देता था, ताकि मेरे और रेणु के अफेयर के बारे में
अजूबा को पता ना चल जाए। तो 5 अगस्त की रात को भी तू ही गया होगा उसे पिक करने के लिए? नहीं नहीं सर, उस रात में नहीं गया था, मेरी बाइक खराब हो गई थी। आप चाहो तो किसी से ही पूछ लो। ठीक है, तो जब तक हम ना कहें तुम और आप कैतुंडे साहब शहर छोड़ कर नहीं जाएंगे। ओके सर। सर मैंने कंफर्म किया, 5 अगस्त को अक्षय की बाइक रिपेयर के लिए गैरेज में थी और उसके फोन की लोकेशन भी उसके खुद के घर की थी। और सर ये भी कंफर्म किया कि रेनू उस दिन कॉल सेंटर की गाड़ी से नहीं गई थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ओके, ले क्या उसे सर। वनवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन था, उन्होंने प्रीति को सह्याद्री पार्क से पकड़ लिया। सर मुझे नहीं पता रेनू को किसने मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इतने दिनों से गायब क्यों थी? सर मैं तो खुद से भाग रही थी, मेरा बस चलता तो मैं तो सुसाइड ही कर लेती, लेकिन मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद को मार सकूं। चलो मान लिया कि तुमने रेणु को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम आत्महत्या करना चाहती थी? मैं आपके सामने हाथ छोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझसे कुछ मत पूछिए। जवाब तो देना पड़ेगा प्रीति। तुम्हारे पति का कहना है कि तुम अपने ससुराल से 12 लाख के गहने लेके गई। तुम्हारी सोसाइटी का कहना है कि तुम अय्याश हो और हमें ये शक है कि तुमने अपनी दोस्त रेणु का मर्डर किया है। अब अगर सच कुछ और है तो तुम्हें जवाब तो देना पड़ेगा। सबको लगता है कि मैं बुरी हूँ, लेकिन सर मैं बुरी नहीं हूँ। आप प्लीज मुझ पे रेनू के मर्डर का आरोप मत लगाइए, मैंने कुछ नहीं किया। सर ये तो कुछ भी क्लियर नहीं बोल रही है, कहीं कोई ड्रामा तो नहीं कर रही? हो सकता है शिंदे, मान लो इसने रेनू को नहीं मारा है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो हमें बताना ही नहीं चाहती? सर गायतुंड के पोते अक्षय पे किसी ने जानलेवा हमला किया, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सर मैं रास्ते से जा रहा था तभी पीछे से आके करण ने मुझ पर वार किया। सर उसका बस चलता तो मुझे जान से ही मार देता। पर वो तुम्हें जान से मारना क्यों चाहता था? सर उसने मेरी रेणु को मुझसे छीना, मैं उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। रेणु का अफेयर तो अक्षय से चल रहा था, तो फिर रेणु को मेरी रेणु क्यों बोल रहा है? रेणु से मैं प्यार करता था सर, लेकिन मुझे पता चला कि वो उसे घुमा रहा है। तू ही रेणु से प्यार करता था या रेणु भी तुझसे प्यार करती थी? सर वो भी मुझसे प्यार करती थी। तो ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैंने इसलिए नहीं बताई कि कहीं उसके गायब होने का शक आप मुझ पे ना करें। लेकिन हमें तो लग रहा है उसको मारने में भी तेरा ही हाथ है। नहीं सर मैंने रेणु को नहीं मारा सर, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन ये बात भी सच है कि रेणु मुझे धोखा दे रही थी। प्रीति ने मुझे कई बार कहा कि रेणु मुझसे प्यार नहीं करती, और सर वैसे भी रेणु की वजह से प्रीति बदनाम हो रही थी। मतलब? शराब और सिगरेट रेणु के शौक थे, प्रीति तो उसे हाथ तक नहीं लगाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अय्याश रेणु थी और बदनाम प्रीति हो गई। एक बात बता, तुझे क्या लगता है तेरे और अक्षय के अलावा रेणु का अफेयर और किससे हो सकता है? सर उनके फ्लैट में उमर और सिद्धार्थ भाई आया जाया करते थे सबको, और मुझे ये लगता था कि वो प्रीति से मिलने जा रहे, लेकिन अब लगता है कि उनका अफेयर भी रेणु से होगा। और हाँ सर रेणु का मुझसे भी रिलेशन था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं मानता हूँ सर मेरा रेणु से अफेयर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं सर। सर इन सब का रेणु के मर्डर में हाथ हो सकता है, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, और प्रीति भी बार बार यही दोहरा रही है कि उसने रेणु को नहीं मारा। शिंदे एविडेंस तो प्रीति के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो वो छुपा रही है? प्रीति के घर से हमें ये फोटोग्राफ्स मिले थे जो किसी खाली फ्लैट के हैं, आखिर ये फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाए क्यों गए थे? सर ये मेरे फोटोग्राफ्स नहीं है, रेणु के होंगे। लेकिन रेणु ने ये फोटो अपने पास क्यों रखे हुए थे? क्या रेणु या फिर तुम दोनों इस फ्लैट में शिफ्ट होने वाले थे? सर मुझे नहीं पता। शिंदे कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लैट के इन फोटोग्राफ्स का रेणु के मर्डर के साथ कोई कनेक्शन हो? एक काम करो इंटरनेट पर सर्च करो, क्या किसी ने अपना फ्लैट बेचने या किराए पर देने के लिए ये फोटोग्राफ्स किसी साइट पर अपलोड किए हैं? ओके सर। सर प्रीति के साथ आइए शांति, प्रीति के जमानत के लिए। प्रीति बेटा तू ठीक तो है ना? प्रीति इन्होंने तुम्हारी जमानत करवा दी है, तुम जा सकती हो।
सर आप चाहे मुझे जिंदगी भर जेल में रख दो लेकिन मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। ये तो क्या कह रही है बेटा, अगर मेरे मनीष से कोई गलती हुई है ना तो उसकी तरफ से मैं तुमसे हजार बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा मत बोल बेटा, मेरे साथ घर जा। आई मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मेरी धन दौलत सब तो ही है बेटा, चल बेटा इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। सर जरूर प्रीति और उसके पति मनीष के बीच में कोई ऐसी अनबन हुई होगी जिस वजह से इस हालत में भी प्रीति अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। शिंदे पति ही नहीं, वजह सास से जुड़ी भी हो सकती है। सर हो सकता है शांति जी प्रीति को अपने साथ गहनों के लालच में ले जाना चाहती हूँ, लेकिन ये भी साफ है शिंदे कि हमें प्रीति के घर से कोई गहने मिले नहीं। अब या तो उसने वो गहने कहीं छुपा दिए हैं या फिर बेच दिए हैं। कैसे भी करके ये पता करो कि प्रीति उस दिन वहाँ गोपाल पट्टी में कहाँ थी, और पुणे में जितने भी पुराने गहने खरीदने वाले सुनार हैं सबसे पूछताछ करो। पुलिस अब प्रीति के उन 12 लाख के गहनों का राज पता कर रही थी जो वो अपने पति के घर से लाई थी। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रीति के घर से मिले उस फ्लैट के फोटोग्राफ से जुड़े खुलासे में कुछ नए समीकरण सामने आए। सर इस एड में जो फोटोग्राफ्स अपलोडेड है ये वही फोटोग्राफ्स हैं जो हमें प्रीति और रेनू के फ्लैट में मिले थे, लेकिन सर ये एड सेल के लिए है। प्रीति ने हमें कहा था कि ये फोटोग्राफ्स रेनू के हैं, तो क्या रेनू ये फ्लैट खरीदना चाहती थी? लेकिन रेनू का फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था कि वो फ्लैट खरीद सके। लेकिन शिंदे अगर रेनू ने ये प्रिंट निकाले थे तो किस मकसद से? सर भीमनगर के अभिनंदन ज्वेलरी शॉप पे 2 अगस्त को प्रीति ने अपने गहने बेचे थे और ज्वेलर्स ने उन गहनों के 12.5 लाख रुपए कैश प्रीति को दिए थे। 12.5 लाख? अगर 2 अगस्त को उसके पास 12.5 लाख रुपए कैश था तो कैश गया कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनू ने प्रीति को चीट किया हो? उसने उस फ्लैट के फोटोग्राफ्स दिखाकर प्रीति से पैसे हड़प लिए और शायद इसी वजह से प्रीति के हाथों रेनू का मर्डर हो गया हो। ऐसा माना जा रहा था कि कहीं रेनू की हत्या प्रीति को दिए गए पैसों के धोखे से तो नहीं जुड़ी थी, और जल्द ही प्रीति की चुप्पी की वजह का एक चौंका देने वाला राज सामने आया। सब प्रीति का रेप हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरी मार्क्स है। प्रीति चुप रह के क्या साबित करना चाहती हूँ? तुम बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हारे साथ किसने? सर प्लीज आप मुझसे कुछ मत पूछिए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम चुप रहकर अपने ही अपराधी को बचा रही हो? क्या तुम्हारी सोसाइटी में से किसी ने तुम्हारे साथ? सर प्लीज आप मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए। प्रीति की चुप्पी इस केस को और भी जटिल बना रही थी, और अंदाजों के आधार पर प्रीति की सोसाइटी में रहने वाले लड़कों को प्रीति रेप केस का सस्पेक्ट मानकर पूछताछ की जा रही थी। सर मैंने प्रीति के साथ कुछ भी नहीं किया, ट्रस्ट मी सर। तुमने सिर्फ उसका रेप ही नहीं उसके 12.5 लाख रुपए भी चुराए हैं। सर मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, ना तो मैंने प्रीति के साथ कुछ किया है और ना ही रेनू के साथ। पूछताछ की इस कड़ी में रेनू और प्रीति के फ्लैट ओनर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड बब्बन पर भी शक जताया गया। सर प्रीति कई बार बोलती थी कि बब्बन उसको बुरी नजर से देखता है, और मैंने उसकी कंप्लेंट गायतोंडे से भी की थी, लेकिन वो तो प्रीति को ही गलत बोलने लगे। साहब बोलते हैं, साहब हम मानते हैं कि प्रीति मैडम हमको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हम तारने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। सही बता रहे हैं साहब, हमको तो लगता है ये गायतोंडे साहब ने ही प्रीति मैडम के साथ ये सब किया है। उनकी नजर ना रेनू मैडम ही नहीं प्रीति मैडम पे ही होगी पक्का। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बिना किसी सबूत के अगर दोबारा मुझ पर इल्जाम लगाया तो मानहानि का केस कर दूंगा मैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति का रेप और वो 12.5 लाख रुपए गायब होने के पीछे प्रीति के पति का ही हाथ हो, और शायद इसी वजह से प्रीति अपनी सास के साथ जाने से घबरा रही थी? हो सकता है। प्रीति के पति को बुलाओ, एक बार उससे भी अच्छे से पूछताछ कर ही लेते हैं। ओके सर। सर मैं प्रीति से पिछले 6 महीने से नहीं मिला हूं, और आप मुझ पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं? अभी तो सिर्फ एलिगेशन लगाए हैं, जरूरत पड़ी तो डंडे भी लगाएंगे। रेप अक्यूज को कैसे पीटा जाता है तुझे अंदाजा नहीं है? सर मैं प्रीति क्या किसी का रेप नहीं कर सकता, मैं नपुंसक हूं सर। अगर तुम नपुंसक हो तो तुमने प्रीति से शादी की क्यों? मैं किसी से शादी करना नहीं चाहता था सर, लेकिन आई ने मेरी शादी जबरदस्ती प्रीति से करा दी। आई को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। शादी के बाद मैं प्रीति के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं उससे दूर रहने के बहाने ढूंढने लगा। मैं उसे जानबूझ के झगड़ा करता था। क्या है? मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। अगर मेरी शक्ल से भी नफरत है तो शादी क्यों की मुझसे?
मैंने प्रीति को हमेशा यही जताया कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि मैं उसके लायक नहीं था। और एक दिन प्रीति को मेरी सच्चाई पता चली तो वो घर छोड़ के चली गई। नहीं नहीं सर, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। शांति जी, ये बात आपके बेटे ने खुद हमें बताई है, लेकिन आपसे सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी बहू को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहती थी ना, क्योंकि उसके पास आपके 12 लाख के गहने थे। नहीं सर, गहनों की लालच तो मुझे कभी नहीं रही, मैं तो सिर्फ अपनी बहू को अपने साथ अपने घर लाना चाहती थी, इसीलिए उसे मनाने की हर कोशिश कर रही थी सर, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा मेरा बेटा ही। मनीष से शादी होना प्रीति के साथ हुआ वो छलावा था जिसका दोष भी प्रीति के सर मर दिया गया। पति को छोड़कर अकेले रहने का साहस तो प्रीति ने दिखाया, लेकिन प्रीति से अलग रहने को भी प्रीति के चरित्र में खोट मान लिया गया। और उसके साथ हुए रेप ने प्रीति की मनस्थिति इतनी दयनीय बना दी थी कि वो अपने अपराधी के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन क्या प्रीति रेप केस रेनू मर्डर केस से अलग था, या फिर प्रीति और रेनू का अपराधी कोई एक ही था, ये अभी साफ होना बाकी था। ठीक है सर, प्रीति और रेनू जिस फ्लैट में रेंट पर रहते थे पता चला है वो फ्लैट गिरवी रखा हुआ है। 3 साल पहले उस फ्लैट के ओनर शैलेश और पुष्पा ने बैंक से 20 लाख रुपए लोन लिया था, और पिछले 1 साल से उन्होंने उस लोन की कोई भी किस्त नहीं भरी है। लेकिन उस फ्लैट के गिरवी होने का रेनू के मर्डर और प्रीति के रेप से क्या कनेक्शन? कनेक्शन हो सकता है सर, क्योंकि प्रीति और रेनू का गायब होने के अगले दिन उन्होंने बैंक में 4 लाख रुपए जमा करवाए थे। अगर वो उस समय बैंक में पैसा जमा नहीं करवाते तो बैंक उन्हें फ्लैट ऑक्शन का नोटिस भेज देती। तो तुम्हें ये लगता है कि प्रीति के गहनों के 12 लाख और उन 4 लाख का कोई कनेक्शन है? सर मान लिया कि उन्होंने प्रीति और रेनू के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन हो सकता है इसमें उनकी कोई चाल हो, उनकी नियत में खोट हो। अगर ऐसा लगता है तो इस एंगल को इन्वेस्टिगेट करो, देखो क्या सामने आता है। ओके सर। जब रेनू और प्रीति के फ्लैट ओनर शैलेश और पुष्पा को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पुलिस का शक सही साबित हुआ। प्रीति के गायब होने के अगले दिन 12 लाख रुपए तुमने अपनी बहन के अकाउंट में जमा किए, और उसके बाद अपनी बहन के अकाउंट से अपने अकाउंट में सिर्फ 5 लाख ट्रांसफर किए, और इन 5 लाख में से तुमने 4 लाख से अपने गिरवी फ्लैट की ईएमआई चुकाई। और तो और, तुम दोनों की फोन लोकेशंस प्रीति की फोन लोकेशन से मैच करती हैं। जब प्रीति का फोन बंद हुआ तुम दोनों गोपाल पट्टी में ही थे। अब कुछ भी छुपाने का फायदा नहीं है, बोलो बोलो। सर गिरवी फ्लैट छुड़ाना तो दूर, हमारे पास तो रेणू और प्रीति का डिपॉजिट वापस करने के लिए भी पैसा नहीं था सर। पर सर मुझे पता चला था कि प्रीति के पास बहुत गहने हैं, और जब गायतोंडे ने फ्लैट खाली करने को बोला तो हमें लगा कि हम प्रीति को ठग सकते हैं नया फ्लैट दिखाने के बहाने, और हमने एक साइट पर से एक फ्लैट का प्रिंटआउट निकाला और प्रीति को दिखाया। प्रीति बेटा, गोपाल पट्टी में ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, बाहर वालों से 40 मांग रहा है, मैं तुझे 35 में दिलवा दूंगा। लेकिन अंकल मेरे गहने भी बेचकर सिर्फ 12-13 लाख आएंगे मेरे हाथ में। अरे बेटा बाकी का पैसा तेरे अंकल लोन से दिलवा देंगे। हमने एडवांस के नाम पर उससे 12 लाख रुपए कैश ले लिया था, फिर वो रोज हमसे फ्लैट देखने के लिए बोलने लगी, हम उसे टाल नहीं पा रहे थे इसलिए हमने उसे गोपाल पट्टी आने के लिए बोला। अब अगर किसी से कहा ना कि तूने हमें 12 लाख दिए हैं तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, समझी? बाद में पता चला कि 2 दिन से उनका फ्लैट भी बंद था और उन दोनों लड़कियों के नंबर भी बंद आ रहे थे। हमें लगा कि कहीं प्रीति ने सुसाइड ना कर लिया हो इसलिए उनकी मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई। प्रीति को तो 12 लाख के लिए ब्लैकमेल किया, और रेनू उसे क्यों मारा? नहीं सर, रेनू को हमने नहीं मारा है सर। शिंदे जब तक ये सच ना बोले अच्छे से सेवा करो इनकी। बहुत जोर देने के बावजूद भी शैलेश और पुष्पा अपने बयान पर कायम रहे, अगर उन्होंने रेनू को नहीं मारा तो किसने मारा था, ये जानने के लिए पुलिस अब प्रीति से नए सिरे से पूछताछ कर रही थी। मैं बहुत डर गई थी सर, मुझे लगा कि अगर मेरा वीडियो अपलोड हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, पहले से ही इतनी बदनाम थी मैं।
हमने सुना कि कैरेक्टर रेणु का खराब था, उसके कई अफेयर्स थे। हाँ सर, लेकिन वो जैसे भी थी दिल की बुरी नहीं थी, उसने हमेशा मेरी मदद की। लेकिन उसकी वजह से तुम्हें सोसाइटी में बदनामी भी तो मिली। देख रेणु, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं ना, तब मुझसे सहन नहीं होता। दुनिया वालों की बात एक कान से सुनकर ना दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। तू जैसे सोचती है वैसे मैं नहीं सोच पाती। तो तू क्या चाहती है, अपने पति के पास वापस जाना चाहती है? बदनाम होके रहने से तो बेहतर ही है कि मैं घुट घुट के जी लूं। रेणु मेरी इस बात से नाराज थी, लेकिन हम दोनों के बीच में सुलह हो गई थी। अगर तुम्हारी उससे सुलह हो गई थी तो फिर झगड़ा किसका था जो उसका मर्डर कर दे? हाँ सर, मैंने ही रेणु को मारा है, क्योंकि उसी के बहकावे में आके मेरी बहू मेरे घर वापस नहीं आना चाहती थी। लेकिन सर, मैं वहां उसे मारने नहीं गई थी, मैं तो वहां उसे विनती करने गई थी, उसे समझाने गई थी। रेणु, रेणु, रेणु बेटा, आप यहाँ? देख बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को वापस मेरे पास भेज दे। जब प्रीति आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप क्यों जबरदस्ती करती हो उसके साथ? छोड़िए उसे उसके हाल पर। तो अब मैं समझ गई कि तूने ही उसे रोक रखा है। तू अपने आप को दोस्त कहती है, अरे दोस्त तो वो होते हैं जो अपने दोस्तों का घर जोड़ते हैं, और तू उसके उसके पति से तू अलग कर रही है। काय का पति? आपको पता भी है आपका बेटा तो मर्द तक नहीं है, ना मर्द है वो, बना दिया उसे प्रीति का पति। क्या कहा तूने, मेरा बेटा ना मर्द है? उसने मेरे बेटे को ना मर्द बोला तो मुझसे सहन नहीं हुआ और मेरे हाथों उसका खून हो गया। मैं डर गई, उसकी बॉडी को वही नाले के पास छोड़ दिया और उसका आईडी कार्ड और पर्स लेके मैं वहां से निकल गई। लेकिन सर, तब मुझे सच नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि रेणु मेरे बेटे के बारे में जो भी बोल रही वो सच बोल रही है। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि मेरे बेटे और बहू खुश रहे, लेकिन अपनी तकदीर फूटी थी सर। सच कड़वा ही होता है शांति जी, बेहतर यही होता कि गुस्से में आकर किसी की जान लेने की बजाय आप सच का कड़वा घूंट पी जाती। प्रीति और मनीष का रिश्ता शांति की नजर का वो क्षितिज था जिसे वो दूर से जुड़ता हुआ तो देखती थी, लेकिन इस हकीकत से अनजान थी कि उनका रिश्ता उन दो समानांतर रेखाओं की तरह था जिनकी दूरी वो कभी खत्म नहीं कर पाएगी। कभी कभी नजर के भ्रम को भी सच मान लिया जाता है, लेकिन अपने इस भ्रम को गलत नजरिया देना एक ऐसी भूल है जिसका खामियाजा व्यक्ति विशेष तो भुगतता ही है, लेकिन दोषी वो समाज भी बन जाता है जिसका प्रतिनिधित्व करने वाले कभी कभी भले को बुरे की संज्ञा देकर उसे बदनाम कर देते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।